श्रोताओं को अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए संस्कारों के अनुसार सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा आपने सभी को झेला, मतलब सुना झेला। समझ गए सब लोग। उम्मीद करती हूँ अभी यहाँ कुछ देर पहले बादल गरज रहे थे। मनोज भी आप ठीक तो है ना? इनको ग्लूकोन डी पिला दीजिएगा। और विनीत भैया से निवेदन करूंगी, इन्हें कॉफी नहीं बल्कि आप जूस वूस थोड़ा पिलवा दीजिए, क्योंकि जितनी ऊर्जा और जितनी अपनी पूरी ताकत के साथ इन्होंने काव्य पाठ किया है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे डर लग रहा था कि कहीं काव्य पाठ करते करते आज ये यहीं शहीद ना हो जाएं, लेकिन शायद आपकी तालियों ने इन्हें बचा लिया है। एक बार मैं मंच के सभी कवियों से कहना चाहती हूँ, इतने अच्छे श्रोता जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए आप सब एक बार ताली बजा दीजिए। सभी कवियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी देर से कवि सम्मेलन चल रहा है। मैंने देखा कि यहाँ के कुछ नन्हे नन्हे कलमकार भी आए थे और अपनी कविता सुनाकर चले गए, और जो बच्चे अभी भी सुन रहे हैं उनको मैं खूब आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि केवल माइक पर और मंच पर आके कविता सुनाना ही बड़ी बात नहीं होता है। बड़ी बात वो होती है कि आप देश विदेश के आए हुए कवियों को सुन करके कुछ ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि जब तक सीखने का भाव रहेगा तब तक शायद आपके आगे बढ़ने के आसार नजर आएंगे। एक बार यहाँ की होनहार पीढ़ी के लिए आपकी तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बच्ची अभी भी यहाँ बैठी है जिसने बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, उसको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। राशि, राशि तुमने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, और मैं विनीत जी से निवेदन करूंगी कि राशि को राशि जरूर दी जाए इसके सम्मान की, इसकी कविता के लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा, खूब आशीर्वाद। और बहुत बढ़िया जी, शाबाश। कवि सम्मेलन जब प्रारंभ हुआ था, जब मैंने यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ सत्संग चल रहा है, क्योंकि यहाँ से कवि पढ़ रहे थे और इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ रहे थे, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। लेकिन जब से ये माइक संचालन का कवि किसले जी के हाथ में आया है, तब से ये कवि सम्मेलन कवि सम्मेलन बना। एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष महोदय और सरकार, जोरदार तालियां। कवि लोग भी बजा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर उन्होंने किसी ने हिट कराया है तो केवल आपकी कविताओं ने नहीं, आज के संचालक महोदय की भी उसमें पूरी जिम्मेदारी होती है। एक बार सबकी तालियां हो जाए। जय हो, जय। और अब नैनीताल से रुड़की तक की यात्रा मैंने अपने बड़े भाई विनीत भारद्वाज जी के आदेश पर पूरी की। उस सोफे से इस माइक तक की यात्रा देश के बड़े कवि आदरणीय किसले जी के आदेश पर पूरी की, पर अब इस माइक से आपके दिल तक की यात्रा मैं केवल और केवल आपकी मोहब्बत भरी तालियों द्वारा पूरी करने। बहुत बढ़िया भाई, एक बार जोरदार तालियां गोरी बहन के सम्मान में बजाइए। शाबाश। पढ़ती हूँ। और अब तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी जी, और अब मैं चाहती हूँ कि सुबह सुबह जब आराधना होती है शिव शंकर की, तो किस तरह से वो गौरी गुनगुनाती है, उस तरीके का ये माइक बना दीजिएगा, और इसका इको बढ़ा के बहुत मधुर स्वर में ये अब आपको सुनेंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अब आपको डर करके ताली बजानी है, अब आपको प्रेम के साथ प्रेम के लिए ताली बजानी है। इसलिए प्रथम चार पंक्तियों में एक बात बस मैं कहना चाहती हूँ, वहां से आप मुझे आदेश करेंगे कि मुझे क्या पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है। ये ना पूछो कि गौरी को क्या चाहिए, ये ना पूछो कि गौरी को क्या चाहिए, मैं हूँ खुशबू मुझे बस हवा चाहिए, गीत गाती रहूं मैं तुम्हारे लिए, गीत गाती रहूं मैं तुम्हारे लिए, मुझको बस
शाबाश गौरी, वाह चाही मुझको बस ये तुम्हारी दुआ चाहिए। इसका बेस मैं जानती हूँ कम नहीं हो सकता है, क्योंकि शुरू से अब तक सारे कवि चिल्लाते चिल्लाते अपने गले को बांस बना के चले गए कि इसका बेस कम कर दीजिए, बेस कम कर दीजिए। लेकिन आज का ये कवि सम्मेलन अगर कहीं प्रभावित हुआ है तो उसमें विनीत भैया की बिल्कुल कहीं कमी नहीं है। अगर कमी थोड़ी कहीं सी रह गई है तो आदरणीय आपके इस माइक की रह गई है, बुरा मत मानिएगा। इसका बेस सच में इतना हाई है कि कुछ भी बोल रहे हैं तो वो इसमें एक अलग ही जो नेचुरल आवाज है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। पर अब आप कुछ मत करेगा वरना ये सीटी भी बजाने लगेगा, तो जो ऐसा शुरू से चल रहा था इसलिए अभी ऐसे ही रहने दीजिए, पढ़ती हूँ सुनेगा। और उम्मीद करती हूँ इस वक्त आप अब स्वर पे ध्यान न देंगे क्योंकि मैंने माइक की स्थिति बता दी है। शायद ये सरकारी माइक है, इसका पेमेंट नहीं होना है इसलिए ऐसा है। लेकिन मैं चाहती हूँ अब आप सिर्फ कविताओं पे और शब्दों पे ध्यान देंगे, पढ़ती हूँ सुनेगा। देश प्रेम से आदरणीय ने अपनी बात को विराम दिया था। मैं भी प्रेम लिखती हूँ, प्रेम करती हूँ और प्रेम सुनाना चाहती हूँ। लेकिन जहां से आदरणीय मनोज जी ने अपनी बात को विराम दिया है, शायद मैं वहां से अपनी बात को प्रारंभ नहीं कर सकती। मंच की सबसे नन्ही कलम की कवित्री होने के कारण मैं एक छोटी सी शुरुआत करूंगी उस प्रेम से अपने प्रेम को पढ़ने की, जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है और वो होता है राष्ट्र प्रेम। यहीं से मैं अपनी जगह आपके दिल में बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे सभी भाई जो अक्सर फेसबुक पे मैं देखती हूँ, आज कुछ लोगों से पहली बार भी मिली हूँ, अवस्थी भैया और एच बी शायर जिसे काफ़ी समय बाद मिली हूँ और पता नहीं उन्होंने क्या क्या पहली नज़र में पहली मुलाकात में देख लिया था वो आज मुझे पता चला है। लेकिन इसी कारण ही शायरी अच्छी करने लगी इसलिए मैं इनको भी साधुवाद करती हूँ। बहुत अच्छा अच्छा यहाँ सब पढ़ के गए हैं, कोशिश करूँगी मैं भी कुछ अच्छा पढ़ लूँ। और आदरणीय श्रीकांत जी आएंगे आपके बीच में, किसले जी आएंगे और हमारे देश के ऐसे कलमकार जिनकी रचनाएं शायद रात के किसी भी प्रहर में आप सुनेंगे तो हमेशा आपके अंदर एक जोश उत्साह बढ़ाएंगे। आदरणीय मुकेश मौलवा जी वो भी आएंगे और आपको ऐसे रस से ओतप्रोत कराएंगे जो शायद अब तक आपने इस मंच पे नहीं सुना होगा। पढ़ती हूँ देश प्रेम से अपनी बात को। स्वागत स्वागत पढ़िए। वाह वाह। माता शारदी हूँ केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदी मावीरा पाणी की पुजारन हूँ केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो हर जाने आप माने या न माने पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ सम्मान रखती हूँ संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ। वाह भाई वाह। दिल में हमेशा गोरी बहन वाह बहुत बढ़िया हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। शाबाश वाह जिंदाबाद। हिंदुस्तान रखती हूँ मैं दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। आपने हाथ से भी सुना था कुछ देर पहले, आपने प्रदीप गुप्ता जी आए थे आपके बीच में, ये बहुत अच्छा हास्य सुना रहे थे। कुछ हनीप्रीत और राम रहीम की बात भी इन्होंने की थी। मैं इसी छंद के आंगन से एक छंद उठा करके आदरणीय को समर्पित करती हूँ और हर एक कवित्री की ओर से ये पंक्ति इन्हें समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़िए स्वागत। एक दिन इनके घर गई तो मैंने कहा, इनकी विशेषता बताती हूँ और विशेषता इस छंद की अंतिम पंक्ति तक आपको पहुंच जाए तो आप इनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा मंच के लोग भी। एक दिन इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक दिन इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोली गौरी जी हमें तो
बस इस छंद की अंतिम पंक्ति हो जाने दीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा दीजिए। जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। एक बार इनके झाड़ इनकी कविताओं के लिए जोर, इनके हास्य कविताओं के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाए। सच में माहौल को बदला था और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आए थे। आपने हास्य को सुना, आपने ओज को सुना। उम्मीद करती हूँ कि आप जिस तरह से सबकी कविताओं पे मुस्कुराए थे तो आप मोहब्बत को सुन के भी मुस्कुराएंगे। महिमा भाभी ने भी बहुत अच्छी अच्छी मोहब्बत की बातें करी और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी मोहब्बत को सुन के भी आप मुस्कुराएंगे जरूर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। मेरी इस उम्मीद को कायम रखिएगा और ये छंद आपको समर्पित करती हूँ और इस निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मड़क से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, दिल थाम। पत्नी के बगल में बैठ के आय हाय कर रहे हैं, इनके इनके इस साहस को प्रणाम करती हूँ, इनकी तालियां हो जाए इनके साहस के लिए कि जो लेकिन आपने हाय हाय नहीं आय हाय कहा है, जो अक्सर केवल यही करते हैं मंच पे, घर में नहीं करते हैं, यही करते हैं। वही दो चार बार वो मैं लक्षण देख रही हूँ और इनके जी आए तो मैं देखता हाय से देखती। मैं सच बता रही हूँ, ये हिम्मत पहली बार मैंने किसी पुरुष प्रजाति में देखी है। और जो यहाँ सामने बैठे हुए श्रोता खुल के ताली कवित्रियों की पंक्ति पे नहीं बजा रहे हैं कि कहीं कोई पड़ोसी जाके पत्नी को ना बता दे, और ये साक्षात पत्नी सहित आ करके इतनी बड़ी बात बोल दे रहे हैं, एक बार ऐसे पति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इससे मुझे लग रहा है कि घर जाने के बाद इनका क्या हश्र होने वाला है। मेरी सहानुभूति भी इनके साथ है और आप सब भी थोड़ा दुआएं कर दीजिएगा कि कल सुबह ये जब आईना निहारे तो इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही नजर आए। करती हूँ सुनेगा वो छंद आपके लिए समर्पित, सुनेगा। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मड़िक से, भूल ना सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है, छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आंगन के उस पे एक बात और कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, ये जिस तरह से जी मेरी छोटी बहन है, मैं बड़े भाई के लिए वो पढ़ेगी, छोटी बहन है मेरी, बिल्कुल मेरी छोटी बहन। ये किसले जी इनका नाम ही आप देख सकते हैं, किसले का संधि विच्छेद अगर आप करें तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं ठीक हो गया, कहना क्या पूरा और किसले तो। बाद में क्रांतिकारी भी, मतलब नाम में भी घपला है। और ये दिख रहा है कि कलयुग है, यहाँ ये संभव हो सकता है कि आगे तो आशाराम और पीछे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पर जिस तरह से ये सभी कवियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, इन्होंने सभी कवियों को हिट किया है आज अपने संचालन से। और जिस तरह से मैंने अगर तारीफ नहीं की है विनीत जी की तो निराश होकर मंच से नीचे उतर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जितनी जल्दी हो सके विनीत जी मंच पे आ जाइए, वरना अगला मुक्तक आपके लिए तैयार है जी। मैं इसलिए डरा देती हूँ क्योंकि मेरे काव्य पाठ के दौरान जब कोई बीच में मंच छोड़ के जाता है या बीच में
पकड़ पकड़ करता है तो मैं इसी तरह के मुख तक पढ़ देती हूँ कि इंसान फिर कहीं का नहीं रहता है। लेकिन मैं चार पंक्तियों में एक बात कहना चाहती हूँ। मंच के सभी कवि जिस तरह से किस लय जी को मोहब्बत करने लगे हैं, उनके संचालन के कारण प्यार करने लगे हैं, मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी उनसे मोहब्बत हुई है। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, और केवल चार पंक्त में वो मोहब्बत की परिभाषा देके इनका सम्मान कराना चाहती हूँ। अब आप इनको देख भी सकते हैं, सुनिएगा। ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है। चौथी पंक्ति पे आपको लगे कि मैंने अपनी मोहब्बत को एक ऐसी बात तक पहुंचा दिया हो तो एक भी हाथ इनके सम्मान में खामोश ना हो, मंच के लोग भी तालियां बजा सकते हैं कि ना दुआ से मिलती है। प्रतीक गुप्ता जी ने अपना स्थान बदल लिया डर के मारे, भाभी जी की बगल में आके बैठ गए सेफ्टी जोन में, क्योंकि जब सीता माँ जैसी भाभी किसी के समीप हो तो उसे कोई भी डर नहीं होता है। तब ये बात कहती हूँ हमारे किसले जी के सम्मान में कि उनसे मोहब्बत की परिभाषा देती हूँ, सुनेगा। कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत नहीं, गलत पकड़े हैं आप, मैंने लिखी है तो मेरी पंक्ति सुनिए। चौथी पंक्ति पे आपको मैं पूरा मौका दूंगी और कुछ ऐसा भी पढ़ूंगी कि आप बीच में आह और ओह भी करेंगे। ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है ये मोहब्बत, रहमत एक खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं किसले क्रांतिकारी जी से, क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं किसले क्रांतिकारी जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। क्योंकि इनकी सूरत मेरे अगर मैंने इनका सम्मान सच में अपने संस्कारों के दायरे में रहकर कर दिया हो तो आदरणीय के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं वो कलम हूँ जो शायद कहीं भी इनके आसपास नहीं भटक सकती हूँ, और इनका आशीर्वाद अगर पहली बार मुझे इस मंच पे मिला है तो शायद बहुत कुछ सीख करके जाऊंगी, और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो अगर मात्र 4 साल में मैं आपके आंगन में पहुंच गई हूँ तो न जाने कहाँ कहाँ मैं पहुंचूंगी और अपनी कविताओं से आपके दिल में जगह बनाऊंगी। पर मैं एक छंद और पढ़ना चाहती हूँ, वो छंद इसलिए क्योंकि जिस तरह से आदरणीय गुप्ता जी या मंच के कुछ भी कवि अपने मनोरंजन के लिए कवित्रियों पे कुछ कटाक्ष कर देते हैं तो किस तरह से कवित्रियां जवाब देती हैं, जिसको आज के दिन में नोकझोंक का नाम दे करके बदनाम कर दिया जाता है, पर वो नोकझोंक नहीं होती है, वो सोच का एक ऐसा कुंठित दायरा होता है जिसको हम विस्तार नहीं दे पा रहे हैं, वो हास्य कविताएं होती हैं, हास्य के मुक्तक होते हैं। लेकिन कवि अगर ढंग की दृष्टि से देखते हुए कवित्री का मान सम्मान करते हुए उसको मंच पे आमंत्रित करता है, जैसा कि आज आदरणीय किसले क्रांतिकारी जी कर रहे हैं, तो हर कवित्री पूरा मान सम्मान देती है जैसा कि मैंने आज दिया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी भी महिला पे, किसी भी बेटी या नारी पे कोई भी कुदृष्टि डलती है तब वो नारी क्या कहती है, उसकी तरफ से ये छंद प्रस्तुत करती हूँ, आपका आशीर्वाद। स्वागत स्वागत, पढ़िए। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, श्रीकांत जी आप ही सुनिए। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। ये पंक्तियां श्रीकांत जी को इसलिए मैंने सुनने को कही क्योंकि भाभी जी बगल में बैठी हैं और वो हमेशा अपनी दृष्टि ऐसी बना के रखें कि वो राधा और मीरा जैसी बनी रहें, कभी भी उन्हें चंडिका बनने की जरूरत ना पड़े। पढ़ती हूँ। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पीगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि आदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि आदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बनेगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बनेगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी।
बहुत बढ़िया, एक बार और पढ़ दो इसे, एक बार और पढ़ दो गौरी। जाएगी भवानी के नाम पे जो लोग जा रहे हैं डर के मारे, बहुत बढ़िया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि गौरी का शेर जाके उन्हें पीछे से ले आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, एक बार और पढ़ दो गौरी, बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे पुनः मैं जब पढ़ूंगी। कृष्ण की निगाह से और बड़े भैया को अगर ये पसंद आ रहा है जो देश के बड़े कवि हैं, तो शायद मेरा लिखना कहीं ना कहीं से सार्थक हो रहा है। और आज मुझे लग रहा है कि मेरी परीक्षा में मुझे अच्छे अंक मिल रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं सफल हो रही हूँ। पुनः आपके आशीर्वाद से पढ़ती हूँ। कृष्ण की निगाह से निहारा जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। एक बार आदरणीय महिमा जी की बहुत अच्छे इन्होंने गीत पढ़े, पहली बार मैंने उन्हें सुना और मुझे ऐसा लगता है कि श्रृंगार का रूप अगर ऐसा है, उनके शब्द भी अगर ऐसे हो जाएंगे, तो इस मंच पे साहित्य की गंगा बहाने वाली गंगाओं को कोई भी कुदृष्टि से नहीं देखेगा। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, दोनों बहनों के लिए ताली बजाएं एक बार जोरदार। बहुत बहुत आभार। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्रेम श्रृंगार तभी आनंद देता है जब उसमें थोड़ा सा मनोहार आ जाए। और आपने अभी तक जिस दौर में मेरे काव्य पाठ को सुना है, मैं बीच बीच में उसमें बदलाव करते रहूंगी। ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा कि मेरे श्रृंगार को आप कब मनोहार की दृष्टि से देखेंगे और कब प्यार की दृष्टि से देखेंगे। और तब कहती हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई रुड़की शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। और इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। शुक्रिया। लेकिन आपने अगर दूसरी पंक्ति पे ही ताली बजा दिए तो उम्मीद करते हैं चौथी पंक्ति पे मेरे निवेदन को इसलिए भी स्वीकार करेंगे क्योंकि आज के दिन में पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के। और अगर आप अपने सारे गमों को भुला के यहाँ मुस्कुराने के लाए हैं कविताओं से, तब इस निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम, यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम, चलो अपने ही गम पे क्या लिखा आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। और इसी मुस्कुराहट को आपके चेहरे पे दोबारा लाने के लिए अपने मनोहार की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। नोटबंदी की तकलीफ से आपको निकालना चाहती हूँ। बहुत सारी गुलाबी मोहब्बत की बात यहाँ शायर ने, भाभी जी ने की, लेकिन मैं चाहती हूँ अब आप उस नोटबंदी की तकलीफ से बाहर आइए और मेरी इन मोहब्बत की पंक्तियों को सुन करके अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाएं। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो नैनीताल की गौरी, मिले ताली हाँ मिले ताली तो रुड़की को भी नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो इसे बंगाल
ये सूचना भैया मैं अक्सर जनहित में इसलिए जारी कर देती हूँ क्योंकि मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आपकी तालियां चाहता है। हर एक कलमकार की ओर से अब मैं केवल चार पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ। शायद किसी ने नहीं कही होंगी, आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। ये वो बात है जो हर एक कवि की ओर से आज आपके सम्मुख आपके सम्मान में कहना चाहती हूँ, मात्र शक्ति को नमन करते हुए। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। और एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ सबकी बातें हो रही हैं लगातार, बुजुर्गों की बातें हुई, बाबाओं की बातें हुई, और ज्यादा से ज्यादा बेटियों की बातें हुई, माँ की बात हुई, लेकिन किसी ने भी, अफसोस की बात यह है, किसी ने भी युवा वर्ग की बात नहीं की। शायर जी भी आए तो वो भी मुझ पे ही सुना के चले गए और अभी भी मोबाइल में किसी के साथ सेटिंग कर रहे हैं। भाभी जी आई वो भैया जी के लिए सब सुना के चले गई। अब बची मैं श्रृंगार रस की एकमात्र कवित्री मंच की। तो अगर मैंने भी रुड़की में आके रुड़की के युवाओं के लिए कुछ नहीं सुनाया तो शायद इस कवि सम्मेलन का और विनीत भैया द्वारा सजाई गई इस टीम का अपमान होगा। इसलिए मैं चार पंक्तों में रुड़की के युवा वर्ग के कुछ लक्षण बताऊंगी, उनका सम्मान करूंगी। जिम्मेदारी मैं आप सब पे सौंपती हूँ। आपको लगे कि लक्षण बिल्कुल सही बताए हैं तो एक एक युवा पीढ़ी के सम्मान में हाथ पड़ती हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं जी। अच्छा। इन्हें बस जनवरी दे दो। हालांकि युवा पीढ़ी में वह बुजुर्ग भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। सुनेगा इन्हें बस जन आदरणीय, आपके लिए मैंने कहा ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो बिल्कुल घर जैसे चाचा जी लग रहे हैं आपको, तो मैं नीचे आकर के प्रणाम करूंगी। सुनेगा इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, बताओ क्या की लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या की लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात अच्छा भाई तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लोग बजा रहे उछल उछल के जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली हो, शादी हो जाती ही कहते हैं मेरे तो भाग्य फूटे थे। लेकिन हमारे मंच के कवि, जैसे कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं श्रीकांत जी के लिए कह रही हूँ, लेकिन हमारे मंच के कुछ कवि इतने अच्छे हैं, ना मैं प्रतीक गुप्ता जी के ऊपर इशारा करूंगी लेकिन आप समझ जाएगा, इतने अच्छे कवि हैं आदरणीय हमारे मंच के, कि जब अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं तो खुशी के मारे गरम गरम इंजन को ही चूम लेते हैं। और आदरणीय किसले जी तो इतने अच्छे इंसान हैं कि जब उनकी पत्नी मायके से फोन करके कहती है कि मैं एक महीने बाद वापस आऊंगी, मैं सच बता रही हूँ इन्हें करेले की सब्जी भी पनीर जितनी स्वादिष्ट लगती है। एक बार जोरदार ताली हमारे मन के सभी पत्नी व्रता मतलब अच्छे कवियों के लिए हो जाए, ऐसे ही सम्मान हर पत्नी का करना चाहिए और इसलिए उनकी मोहब्बत निकलेगी। पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं किस मोहब्बत के कारण इतनी दूर की यात्रा तय करके आई हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, लगातार 15 दिनों से काव्य यात्राएं मेरी ही नहीं मंच के हर एक कवि जो इस वक्त
जैसे कि श्राद्ध पक्ष के उसमें पंडित बिजी रहते हैं, वैसे हमारे मंच के हर एक कवि इस वक्त बिजी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी मोहब्बत शैलेश लोढ़ा जी के जोधपुर का कार्यक्रम, कुमार विश्वास जी के बड़ौद का कार्यक्रम अगर मैं छोड़ के विनीत भैया के आदेश पर यहाँ आई हूँ, तो उसके पीछे किसकी मोहब्बत का हाथ है? मैं चार पंक्तों में इशारा करना चाहती हूँ कि किस मोहब्बत के कारण मैं यहाँ आई हूँ। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, जहाँ दुश्वार है राही वही आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। चाय वाले भाई साहब, हाँ आपने सुन लिया, मैं प्यार भरी पंक्तियां आपको भी सौंपना चाहती हूँ, इसलिए कि आप जब तक मैं काव्य पाठ करूं आप ना कॉफी लेके आएंगे ना पानी लेके आएंगे, बीच में आप कुर्सी पे आके बैठ के सुन सकते हैं कविताओं को, कुछ देर आनंद लीजिए, बाद में अपनी दुकान चला लीजिएगा। जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, सुनिएगा कहना है जी। मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे वैसे ही आप पे बहुत तरस आ रहा है, भाभी जी घर पे ही हैं, मतलब मंच पे ही हैं आज। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और मुझे आदेश हुआ था कि आज मैं ऐसा कुछ पढ़ के जाऊं जो शायद किसी मंच पे मैंने नहीं पढ़ा है। विनीत जी की पहली मेहनत, पहला प्रयास है, उसको सफल करने में आज अगर देश का हर कवि यहाँ उपस्थित हुआ है, और शायद सबकी रचनाएं अगर आपको अच्छी भी लगी, एक बार अभी तक जिन्होंने भी काव्य पाठ किया उनकी रचनाएं आपको कैसी लगी, तालियों के द्वारा बता दीजिए, आप लोग स्वीकार कीजिए या आपके लिए है तालियां। और तब ये बात कहना चाहती हूँ कि बेशक हमने जरा सी मुस्कुराहट के लिए बुजुर्गों के ऊपर कितने भी कटाक्ष किए हों, लेकिन हम मंच के कवि अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं, चार पंक्तों में एक बात कह के आपके द्वारा भी उनका वो सम्मान लेना चाहती हूँ जो शायद आज की पीढ़ी भूल रही है। ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, ये आंधी है या तूफान है। आदरणीय, आप भी इस उम्र में आकर के अगर कार्य कर रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ आप कितने कर्मठ हैं और अभी भी अपने परिवार की रीढ़ की हड्डियां बने हुए हैं। आपको भी समर्पित करती हूँ, बहुत बुजुर्ग इंसान आज इस माइक के पास बैठा हुआ है। ये बिल्कुल भी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि सम्मान करना चाहती हूँ, जिसमें आदरणीय किसने क्रांतिकारी जी भी आते हैं जिनका सम्मान शायद मंच की हर एक पीढ़ी आज कर रही है और न जाने कब तक करती रहेगी। तब कहना चाहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, तैयार रखिएगा अपने हाथों को, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया, बहुत बढ़िया भाई गौरी, बहुत अच्छा, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। आदरणीय किसने क्रांतिकारी जी को मैंने समर्पित की थी ये पंक्तियाँ, मैं चाहती हूँ एक बार पुनः उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बजा दो भाई बजा दो, बहुत अच्छा। पढ़ती हूँ, बहुत कुछ पढ़ना चाहती हूँ लेकिन समय बहुत हो चुका है, काफी रचनाएं सुन चुकी हूँ और यहाँ श्रृंगार भी हो चुका है, प्यार के गीत भी आप सुन चुके हैं, ओज भी हो चुका है, मैं कुछ नया पढ़ना चाहती हूँ। किस किस को अच्छा लगा था जब धारा 370 हट गई थी, हाथ खड़े करके बताइए, ऐसे ताली बजा के नहीं, किसकी वजह से हटी थी, किस किस को पता है, दोनों हाथ खड़े करके बताइए किसकी वजह से हटी, मुंह से नहीं बताने, दोनों हाथ खड़े करके बताइए सिर्फ इशारों में। अब जिसकी वजह से हटी एक बार उसके लिए तालियां बजा दीजिए। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, केवल इशारों में बात कहूंगी, समझना आपको है, नया गीत है,
इसलिए देखकर पढ़ूंगी। मैंने कितना उनके सम्मान में सच लिख दिया है, या आप सबके मन की बात को जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं अगर मैंने इस गीत में लिख दी है तो मुझे आप तालों की ताल दे करके बताएंगे। और मंच के सभी कवियों से मैं निवेदन करूंगी, शायर जी जिनकी कविताएं हमने उस वक्त सुनी जिस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अभी वो सेल्फी के चक्कर में लगे हुए हैं। हालांकि मैंने सुना है कि कुछ लड़कियां कहती हैं हमें कुछ बनाना आए ना आए, मुंह बनाना आता है, लेकिन आज शायर जी भी यही काम कर रहे हैं। सुनेगा मैं चाहती हूँ कुछ देर। वो बहुत प्रसिद्ध धुन पे मैंने उस गीत को लिखने की कोशिश की और सिर्फ इशारा किया है कि किसने क्या किया है और आप किसकी वजह से आज यहाँ ये जश्न मना पा रहे हैं। सुनेगा, पहले फोटो ले। नहीं नहीं, मैं काव्य पाठ करना चाह रही हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है और आप लोग को भी शायद घर जाना है। आप लोग इतना कीमती समय देकर के हमें सुनने के लिए आए तो मैं चाहती हूँ सुनिए। है हरदम सेवा को तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार। मैं समझ गई थी आपके दिल की बात कहूंगी। है हरदम सेवा को तैयार। और विनीत जी की ताली अगर इस गीत में नहीं आई तो आप इन्हें पार्टी से बेदखल भी कर सकते हैं। पढ़ती हूँ सुनेगा। है हरदम सेवा को तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार, उसी से प्यार हो गया, उसी से प्यार हो गया। है हरदम सेवा को तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद आपके मन की बात नहीं कह रही हूँ क्योंकि तालियां रुक गई हैं। आप सब उसके सम्मान में ताले बजाएं जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। है हरदम सेवा को तैयार, हरदम सेवा को तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। जो खाली हाथों का संन्यास थामीगा। अब मैं लक्षण बताती हूँ कि किस कारण देश को उससे प्यार हुआ है। सुनेगा। जो खाली हाथों का संन्यास, न धन की माया जिसके पास, जो खाली हाथों का संन्यास, न धन की माया जिसके पास, मगर वो जीता जन विश्वास, मगर वो जीता जन विश्वास, नहीं हो पाया पप्पू पास। वाह वाह भाई वाह। मगर वो जीता जन विश्वास, नहीं हो पाया पप्पू पास, गालियों के पहनाए हार। ये भी दोहराया था, गालियों के पहनाए हार, न मानी फिर भी जिसने हार, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। है हरदम सेवा को तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। और सुनेगा आगे की पंक्तों में कुछ बात। ईंट के बदले गोली तार। किसने ईंट मारी तो जवाब पत्थर से नहीं, कैसे दिया। सुनेगा। ईंट के बदले गोली तार, दिया सीमा पर पाक पछा। ईंट के बदले गोली तार, दिया सीमा पर पाक पछा, सीर की तरह दहाड़ दहा। शेर की तरह दहाड़ दहा, विश्व में दिया तिरंगा गा। शेर की तरह दहाड़ दहा, विश्व में दिया तिरंगा गा, विश्व में दिया तिरंगा गा, देश की खुशबू पहली बार। देश की खुशबू पहली बार, ले गया सात समंदर पार, उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। है हरदम सेवा को तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार, उसी से प्यार हो गया, देश को
तो प्यार हो गया। और क्या कहती हूँ मैं, अब आपको लगे जो शायद सबका सपना है और काफी दिनों से हमारे धर्म को जिस मुट्ठी में जकड़ रखा है, सारी उम्मीदें वो पूरी करते जा रहे हैं, अब एक आखिरी उम्मीद बची, आपको लगे मैंने उसकी भी बात यहाँ कर दी हो और ये सपना अगर सच होने की कागार पे आपको लग रहा हो तो एक भी हाथ अब इस गीत के अंतिम बंद में खामोश नहीं रहेंगे। पढ़ती हूँ, सुनेगा, पहले सुन लीजिएगा और अंतिम बंद के अंतिम पंक्तों पर आते आते बताएगा कि मैंने सच कहा है। बनारस की है सुबह लला, मैं इशारा करते करते चल रही हूँ उस जगह पे। बनारस की है सुबह लला, सुहानी लगे अवध की शाम। बनारस की है सुबह लला, सुहानी लगे अवध की शाम। स्वर्ग से सुंदर है ब्रज धाम, मगर है तंबू में श्री राम। क्या पढ़ दिया गोरी, वाह। और हम जो चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये भी हमारा ही वो शेयर करके देखेगा तो मैं आपके मन की बात कहती हूँ। बनारस की है सुबह लला, सुहानी लगी अवध की शाम। स्वर्ग से सुंदर है ब्रज धाम, मगर है तंबू में श्री राम। करेगा जो सपना साकार, करेगा जो सपना साकार, बना देगा वो मंदिर। करेगा जो सपना साकार, बना देगा मंदिर इस बार। उसी से प्यार हो गया, देश से प्यार हो गया, जो राम से तैयार, वो अपना प्यारा चौकीदार। उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। मैं चाहती हूँ पूरा सदन दोनों हाथ खड़ा करके जो हरदम सेवा को शाबाश, ताली का बहुत ना प्यारा चौकीदार। उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। उसी से प्यार हो गया, देश को प्यार हो गया। मेरे बिना कहे केवल दो मिनट के लिए वो तालियां उन तक पहुंचा। श्री राम के चरणों में तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। गोरी के सम्मान में तालियां बजाइए, मेरा सम्मान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, अच्छा, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और मजा आ गया। जिस कारण मैंने इस गीत को पढ़ा है, अब वो कारण मैं चाहती हूँ आपके सामने पुनः पढ़ूं। शायद अभी तक इस मंच से धारा 370 की बात नहीं हुई। आदरणीय मुकेश मौलवा जी आएंगे, आदरणीय श्रीकांत जी आएंगे, अब वो शायद करेंगे, क्योंकि उनका दायित्व है कि वो हमारे देश को जागरूक करें। लेकिन छोटी बहन होने के नाते एक गुस्ताखी कर रही हूँ। अरे वाह, पढ़िए भाई। और आप लोग की भूमिका में आदरणीय किसले जी, क्रांतिकारी जी, उनके शब्दों को सुनने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए ये बात आपके आंगन में इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि अभी तक आपने जिसका सम्मान किया है, किस कारण किया है, ऐसा कौन सा इतिहास उन्होंने रच दिया है। अब आपको मौका मिलेगा मेरे साथ गाने का। आपने अभी तक केवल तालियां बजाई हैं, अब आपको बीच में आहा और ओहो करनी है। हमारे मंच के कवि जानते हैं कहां पर ऐसा करना है, आप लोग बताएंगे। आदरणीय आप लोग साथ देंगे तो शायद ये लोग भी मिलके साथ देंगे। जी जी, इसे छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, घर ले जाइए, घर ले जाइएगा। जुड़िए सब भाई, विनीत जी ने सबके लिए बना रखा है, सुनिएगा और भूलिएगा नहीं। आहार ओहो करनी आप सभी को। मैं कुछ दिनों पहले एक ऐसी धरती पे गई थी जहां पे अगस्त क्रांति का उत्सव मनाया गया था और वहीं से मैंने इतिहास को जोड़ते हुए इस बात को लिखने की कोशिश की है कि इतिहास में जो हुआ और अब वर्तमान में उस सपने को कौन पूरा कर रहा है, वहां से मैं बात जोड़ूंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। सुनिएगा जी, आदरणीय आप आ जाइए मंच पे। मैं शायद इस कार्यक्रम की महत्ता को ही दर्शाना चाह रही हूँ इस गीत को पढ़ने के दौरान, इसलिए मैं चाहती हूँ बिल्कुल भी चहलकदमी ना हो। उम्मीद करती हूँ ये गीत उससे ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ विनीत जी आप कृपया करके उनको भी साथ में ही ले आइए, वो मंच से ही ताली बजा देंगे तो अच्छा लगेगा। आइए विनीत जी। हाँ बेटा, विनीत जी बेटा सब ठीक चल रहा है, कार्यक्रम सब ठीक चल रहा है, आ जाइए भैया जी, थोड़ी देर के लिए आपके आंगन में हूँ, प्लीज सुनिएगा। बड़े भैया आगे आगे।
जो भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर। इतिहास से वर्तमान को जोड़ते हुए ये गीत को सुनिएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर। मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। आपको आहार ओ करनी है, आपने नहीं करी तो मैं इसको यहीं अधूरा छोड़ के बैठ जाऊंगी, इसलिए मुझे कानों तक आवाज आनी चाहिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर, अंग्रेजों भारत छोड़ो थी गांधी की तकरीर। मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। नहीं चले जब अमित शाह के तीर, गिद्ध बचेंगे नहीं चले जब अमित शाह के तीर। मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। 70 साल में नहीं हुआ वो करके लाया। अगर आपको लगता है कि अब मैंने वो बात कह दी जिस कारण आपने मेरे पहले गीत पे उनका सम्मान किया था, तो अब एक भी हाथ खामोश ना हो और तैयार हो जाएगा पुनः उनका सम्मान करने के लिए। 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखलाया, 35 ए हट गई तो फिर कश्मीर भी हर्षाया, 35 ए हट गई तो फिर कश्मीर भी हर्षाया। मोदी बोले आंख उठाए कोई इस पर तो हम देंगे चीर, आंख उठाए कोई इस पर तो हम देंगे चीर। मोदी बोले पत्थरबाजो तुम छोड़ो कश्मीर, मोदी बोले पत्थरबाजो न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। न खाए सेना पत्थर हटा दी 370। न खाए सेना। गौरी जी के सम्मान में मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर खड़े होकर ताली बजाएं तो अच्छा लगेगा, खड़े होकर आपके भात पैर भी खुल जाएंगे और खड़े होकर इस देश की महान कवित्री के सम्मान में शाबाश ताली आपने बजाई है, धन्यवाद। आदरणीय हकम सिंह आर्य जी, आदरणीय अमरीश जी, सब लोगों ने जिंदाबाद। गौरी बहन वाह शाबाश, बहुत बढ़िया, बैठी है आप, स्वागत है आपका, वाह वाह। हालांकि ये सम्मान मेरा नहीं, मैं जानती हूँ देश के उसी चौकीदार का ये सम्मान आपने किया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे देश को इतने लंबे समय पश्चात कोई ऐसा राजकुमार, कोई ऐसा राजा मिला है जो सच में अगर दहाड़ दे तो चीन तो क्या, खैर छोड़िए उसकी बातें हमारे वीरस के कवि आकर के करेंगे। मैं बात कहना चाह रही थी कि मैं पुनः अपनी मोहब्बत की ओर बढ़ती हूँ। आपने समाज से जुड़ी हुई वो बातें सुन ली जो मैं कहना चाहती थी। नारीवाला पढ़ो, बढ़िया रहेगा। नारीवाल जी जी जी, प्रदीप प्रधान क्या कह रहे हैं, चाय वाले, आप कितना चाय वाले को सुनेंगे, अब वो देश वाले हो।